पुरानी घटना सुनाता हूं आपको। एक शहर के अंदर, एक दो जगह पहले भी सुना चुका हूं, एक शहर के अंदर एक गुरुकुल था। गुरुकुल समझते हैं आप, विद्यालय, विद्यालय। एक शहर के अंदर एक गुरुकुल था जहां पर एडमिशन असंभव था। असंभव बोले शोकेश जी, तो वो बड़ा मुश्किल था। उसकी कुछ क्राइटेरिया थे। क्राइटेरिया के थे, जब लड़का 7 वर्ष का होगा तो वो लड़का को उसका घर का कोई भी व्यक्ति छोड़ने नहीं आएगा। कोई ऐसा व्यक्ति उसको उस गुरुकुल के दरवाजे पे छोड़ने आएगा जो उस घर से ताल्लुक ना रखता हो। विडंबना, ठीक है। दूसरा, जब लड़का घर से निकलेगा सुबह भोर होनी चाहिए, 5 बजे से पहले, 4:30 बजे घर छोड़ेगा, दूसरा कंडीशन। और जब घर छोड़ेगा वो लड़का, तो अगर पलट के देख लिया तो गुरुकुल में एडमिशन नहीं हो सकता। पहली बात, कोई घर का व्यक्ति उसको छोड़ने नहीं जाएगा। दूसरी बात, तो पलट के नहीं देख सकता तब उस गुरुकुल में उसका। तो एक लड़का 7 वर्ष की उम्र में हुआ, मां बाप ने रवानगी तय करी, घर का नौकर घोड़े पर लेके जाने लगा। तो मां बाप छत पर खड़े होकर देख रहे हैं, लड़का नीचे से निकल गया, घोड़े पर बैठा घुड़सवार और लड़का आगे। मां बाप को यही है बस कि मुड़ के ना देखे बस, क्योंकि मुड़ के देख लेगा तो फिर इसका संकट। लड़का पहुंचा, मुड़ के उसने देखा नहीं, मां बाप ने पहली लड़ाई जीती, लड़के ने पहला युद्ध जीत लिया। लड़का पहुंचा गुरुकुल के दरवाजे पे, प्रतियोगिता चालू हुई, एडमिशन की प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता क्या है कि लड़के को उसका नौकर या जो भी छोड़ने आया है वो छोड़ के चला जाएगा, और लड़के को गुरुकुल के गेट पे चौकड़ी मार के बैठना है आंख बंद करके, जब तक कोई लेने नहीं आता, आंख खोलनी नहीं है। लड़का बैठ जाता है गुरुकुल के गेट पे, सुबह 5 बजे है, अंधेरा है अभी, आंख बंद कर लेता है कि अभी कोई लेने आएगा। लड़के को नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा गुजरता है, लड़का इंतजार में कि कोई गुरुकुल के अंदर लेके जाएगा और मेरी शिक्षा आरंभ होगी। 7 बज गए, विद्यार्थियों का आना शुरू हो गया, कदम ताल उसके कानों में पड़े कि लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, मुझे भी कोई लेने आएगा। कोई उसको लेने नहीं आता, बच्चे उसको थप्पड़ भी मार रहे हैं, कोई लात भी मार रहा है, कोई हंस भी रहा है। अब लड़के का संकल्प देखो, आंख खोली तो एडमिशन नहीं हो सकता। लड़का आंख बंद करके बैठा है क्योंकि एडमिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूरज निकल गया, ऊपर पहुंच गया, धूप, स्कूल लगना शुरू हो गया, गुरुकुल लगना शुरू हो गया, रक्त चाप बंद हो गई बच्चों की, शांति होगी। लड़का बैठा है, अब कोई आएगा। समय निकलता जा रहा है, धूप बलवान हो गई, 12 बज गए, 1 बज गए, कोई नहीं। लड़का दरवाजे, 2 बजे, कोई नहीं। लड़का दरवाजे पे आंख बंद करके बैठा है 7 घंटे से, संकल्प। 2:30, 3 बज गए, कोई लेने नहीं आया, बच्चों की छुट्टी होगी, बच्चे वापस जाने लगे, फिर वो चाप शुरू होगी, कदम ताल, और फिर वो लड़कों का हंसना, उसको ठोकर मारना, लात मारना, हंसना, मस्करी करना, और धीरे 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 सारे विद्यार्थी गुरुकुल छोड़ के फिर निकल गए, फिर सन्नाटा, फिर कोई लेने नहीं आया। लड़का हैरान, धीरे धीरे धूप कम हो गई, संध्या हो गई, कोई लड़के को लेने नहीं। जब उसको लगा कि अंधेरा हो गया, उसने आंख नहीं खोली, 7:30 बजे 2 बौद्ध भिक्षु उठे, गेट पे आए, उसका हाथ पकड़ा और बोला, अब तू लायक है हमारे गुरुकुल के अंदर आ जा। मैं आपसे कहता हूं, छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे संकल्प आपको क्षमतावान बनाते हैं। और मैंने ये प्रयोग अपने ऊपर बेहतरी के लिए किए हैं बहुत बार। मैं अलग बन गया हूं पिछले 2-4-5 साल। अगर आप ऐसा कर सकें तो आप खेल कर सकते हैं यार, आज ये नहीं करूंगा, ये छोटी छोटी 4-5 अचीवमेंट आप कर लें और 1-2 महीने तक करते रहें, मैं दावा देता हूं आप 1 महीने के बाद एक अलग इंसान बन जाते हैं। स्मॉल एक्सपेरिमेंट।